हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धन डायनेस्टी के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़कर कंप्लीट किया था, फाउंडर कौन थे, एक्सटेंट क्या था, सोर्सेज, सारे रूलर्स के बारे में पढ़ा, देन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजियस लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, तो ये सब हमने पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, सब कुछ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कि गुप्ता जो रूलर्स थे उनके बाद में क्या हुआ। तो वर्धन डायनेस्टी आती है, टाइम पीरियड क्या रहता है, 550 से 647 AD। तो बस आज हमें इनके बारे में पढ़ना है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे सोर्सेज, जिनसे हमें ये पता लगता है कि हाँ वर्धन डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो चलिए जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट आता है द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर फॉलोड बाय पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। अब क्या होता है, जैसे ही गुप्ता एम्पायर का पतन होता है, गुप्त शासकों का, गुप्त डायनेस्टी का पतन होता है, उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर होता है। डिसयूनिटी मतलब मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी वहां पे छोटे छोटे रूलर्स एमर्ज होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब देखिए अगर आपको याद होगा गुप्त शासकों के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने एक चीज़ खास पढ़ी कि उनका जो टाइम पीरियड था उसे गोल्डन एज कहा जाता है, या फिर कह लीजिए क्लासिकल एज कहा जाता है हिंदुइज्म की, एंशियंट इंडिया की, राइट। प्लस हमने ये पढ़ा कि इन्होंने पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया था उसे जोड़ के रखा हुआ था। ठीक है, बट इनके पतन के बाद क्या है, अब डिसयूनिटी जो है नॉर्दर्न इंडिया में आ गई, राइट। नाउ 7th सेंचुरी AD बिगनिंग, जो बिगनिंग होती है 7th सेंचुरी AD की, हर्षवर्धन आते हैं। हर्षवर्धन क्या करते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज किंगडम इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में काफी तगड़ा जो है, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग किंगडम जो है ये वहां पे एस्टेब्लिश करते हैं। चलिए ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे चीफ सोर्सेज फॉर ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ हर्षा, यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी एग्जिस्टेंस का हमें कैसे पता लगता है, किन सोर्सेज से, किन स्रोतों से पता लगता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी है, रिटन बाय बाना भट्ट। और बाना भट्ट कौन थे, कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष, जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे बाना भट्ट, उन्होंने हर्षचरित्र लिखी है, तो हमें वो मिली है, उससे हमें पता लगता है कि हाँ हर्षवर्धन सच में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ट्रेवल अकाउंट। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो रूलर्स वाला आता है कि हर्षवर्धन आएगा, राज्यवर्धन आएगा, उनके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी जो चीजें रह गई उनके कॉन्क्वेस्ट एंड ऑल वो सब नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती आज की डेट में यही है, एग्जामिनर जो है, कमीशन जो है, अब वो रूलर्स से क्वेश्चन डालना ही उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो क्या करते हैं, जो ये ह्यून सॉन्ग के अकाउंट्स हो गए, कोई इंस्क्रिप्शंस हो गई, कोई केव्स हो गई, कोई और एग्जाम्पल्स, वहां से क्वेश्चंस डालते हैं। अब आपने देखा है कि कभी राजाओं से या शासकों से क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, अब ये जो फालतू फालतू के बच जाते थे ना, जिन्हें हम कभी पढ़ते नहीं थे, अब वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जिसे ऐसे बकवास समझते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप वैसे ना समझें, इस चीज के नोट जरूर बनाएं, बेशक जो मेन पार्ट आता है रूलर वाला उसे आप छोड़ दें, ठीक है, पर इस चीज का ये जो पार्ट होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, क्वाइनेज सिस्टम हो गया, टाइटल्स हो गए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चीज पे अपनी पकड़ आपको स्ट्रांग करनी होगी। ठीक है, इस चीज को आप वैसे ना समझें कि अरे अब होता क्या ना कि एक पॉइंट अलग है, दो पॉइंट अलग है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं होता। लेकिन जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हाँ ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाले स्टेप में लिंक होता है, इनमें कोई लिंक नहीं है किसी भी पॉइंट में, हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब अलग है, तो आपको लगता है कि अरे क्या पढ़ा रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद नहीं करने, जस्ट एक बार रीड कीजिए, आपको खुद ही ये जो है दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए हम हर्षचरित्र के बारे में पढ़ रहे थे, बाना भट्ट ने लिखी थी, बाना भट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे थे ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ ह्यून सैंग। ह्यून सैंग जो है चाइनीज ट्रेवलर थे, इनके बारे में बहुत अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए चाइना से आए थे ये। एक्चुअली में यहाँ पे जो बुद्धा की लैंड है ना, लैंड ऑफ द बुद्धा देखने आए थे, तो इनका सिर्फ रिलीजियस फॉर्म में इंटरेस्ट था, इंडिया में पॉलिटिकल फॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में ही आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रामाज रिटन बाय हर्षा। हर्षा ने कौन कौन से ड्रामाज लिखे हैं, रत्नावली,
नागानंदा एंड प्रियदर्शिका, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों संस्कृत में लिखे गए हैं, ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यानी जो हर्षवर्धन थे उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब दो और इंस्क्रिप्शन आती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड द सोनपत इंस्क्रिप्शन। इन दोनों इंस्क्रिप्शन से हमें क्या पता लगता है? दीज आर हेल्पफुल टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ हर्षा। जो हर्षवर्धन थे उनकी क्रोनोलॉजी के जानने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है द बानशेखरा इंस्क्रिप्शन, ये बंसखेरा इंस्क्रिप्शन। ये हमें क्या बताती है? ये वाला क्वेश्चन भी आता है, बंसखेरा। इट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा, जो हर्षवर्धन है उनके सिग्नेचर जो है इसमें किए हुए, तो हमें पता लगता है कि हाँ उस टाइम के लोग सिग्नेचर एंड ऑल भी समझते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैड अ सर्कल ऑफ लर्न्ड मैन, वर्चुअस मैन। जो हमारे हर्षवर्धन हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके आसपास बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे और वर्चुअस लोग थे। ठीक है, जैसे दो एग्जांपल्स यहाँ बताएं, एक हो गए बाना भट्टा, एक हो गए मयूर। बाना भट्टा जो है इन्होंने हर्षचरित्र लिखी है, कादंबरी लिखी है। हर्षचरित्र तो मैंने बता दिया आपको क्या है। ठीक है, अर्ली टाइम ऑफ हर्षाज्ञान, जो हर्षवर्धन थे उनके शासन के शुरुआती जो टाइम था उसके बारे में लिखा है बाना भट्ट ने हर्षचरित्र में। और है कादंबरी। कादंबरी क्या है? पोइटिकल नोवल, नोवल है बट सारी कविताओं की फॉर्म में लिखी गई है, पोइम की फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मयूर, ऑथर ऑफ मयूर शातका एंड सूर्य शातका। तो ये समझाने की जरूरत नहीं, इन दोनों के ऑथर हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा सिर्फ फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें आगे चलना है, मेन इंट्रोडक्शन पार्ट इसका पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको जो मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और आप चाहें तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ज़्यादा टाइम ना करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए ये वाला पार्ट आया, स्टोरी वाला पार्ट। अब देखिए हर्षवर्धन राजा बनते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पर उससे पहले क्या होता है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हर्षवर्धन ने क्या क्या फिर विजय हासिल की वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हमें पहुंचना है कि पहले रूलर कौन थे और वहां से हर्षवर्धन तक कैसे पहुंचे। बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। देखिए तीन भाई बहन थे, उनका बस सारा का सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा, बस उन्हीं की स्टोरी है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बार आप सुन लेंगे ना बिलीव मी आप कभी भूलेंगे नहीं। बस आप पूरी वीडियो देखें और इमेजिन करते रहे जो भी मैं बोल रही हूँ, साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। फाइन, वर्धा डायनेस्टी की इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति। वेरी सिंपल, याद करने की बात ही नहीं है, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा, दो तीन बार आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन या वर्धा डायनेस्टी के बारे में। फाउंडर पुष्यभूति, कैपिटल थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। He founded it towards the beginning of 6th century AD. वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति ने फाउंड किया था 6th century AD की बिगिनिंग में। पुष्यभूति कौन थे? They were the feudatories of the Guptas, जो गुप्त शासक थे, उनके सामंत थे, उनके अंडर वर्क करते थे, उनके feudatories थे। ठीक है, नाउ पुष्यभूति जो है, जो कि फाउंडर थे, इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट बात आपको नहीं मिलेगी यहाँ पढ़ने के लिए। फाइन, इनके बाद जो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, पहले ऐसे रूलर जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में एक दो चीजें पढ़ने के लिए है, वो है प्रभाकर वर्धन। याद रखना है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब प्रभाकर वर्धन के बारे में भी कुछ नहीं है, बट इनके तीन बच्चे थे। ठीक है, तो उन बच्चों की स्टोरी चलती है आगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, 580 से 605 एडी का टाइम पीरियड था। इनके बड़े बेटे थे राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, 605 में इनकी डेथ हुई, 605 में ये शासक बन गए, 605 से 606 एडी, अप्रॉक्सीमेटली एक साल का टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, He had to face problems from the day of his succession to the throne. जैसे ही ये शासक बने, जैसे ही ये राजा बने, बस उसी टाइम से सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? अब देखिए हम कहानी सुनते हैं, ठीक है, बाकी सब आप रहने दीजिए, अब कहानी पे थोड़ा जोर दें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टी के थे प्रभाकर वर्धन। तो अब होता क्या है, प्रभाकर वर्धन के थे तीन चिल्ड्रन, तीन बच्चे, छोटे छोटे नहीं मतलब काफी बड़े हो गए थे। तो कौन कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राज्यश्री। तो सबसे पहले होता क्या है, राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से।
ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए पहले एक बार। यहाँ पे आप नोट्स मेकिंग छोड़ दीजिए, सिर्फ कहानी सुनिए। राज्यश्री की शादी हो जाती है ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन मैंने हस्बैंड वाइफ लिख दिया, यहाँ पे कपल था, ठीक है, इनसे इनकी शादी हो गई। अब ग्रहवर्मन कौन थे? ही वॉज द मौखारी रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज के मौखारी रूलर थे, ठीक है। तीन भाई बहन कौन कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री। राज्यश्री की शादी हो गई ग्रहवर्मन से, जो कि कन्नौज के मौखारी रूलर थे। अब होता क्या है, लाइफ ठीक है, शादी होगी, ठीक है। अब इनका मर्डर कर दिया जाता है, ग्रहवर्मन का। कौन मर्डर करता है? मर्डर्ड बाय अलायंस बनता है दो रूलर्स का, देवागुप्त एंड शशांक। देवागुप्त एंड शशांक दोनों मिलकर ग्रहवर्मन को मार देते हैं और कन्नौज को हथिया लेते हैं। देवागुप्त कौन थे? यहां से क्वेश्चन आता है, द रूलर ऑफ मालवा। शशांक कौन थे? रूलर ऑफ गौड़, और आप कह सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के रूलर थे। देवागुप्त एंड शशांक ने मिलकर ग्रहवर्मन को मार दिया, ठीक है। इसी टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राज्यवर्धन शासक बन गए, रूलर बन गए, प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, राज्यवर्धन जो है राजा बन गए हैं, राज्यश्री की शादी हो गई है, यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब राज्यवर्धन यहाँ पे क्या करेंगे, बदला लेंगे कि इनकी बहन के हस्बैंड को मारा है तो उसका बदला तो उनको लेना पड़ेगा। तो अब राज्यवर्धन चलते हैं देवगुप्त और शशांक के अगेंस्ट और एक कैंपियन लेकर जाते हैं अभियान। अब इनका उद्देश्य है इन्हें मारना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, देवगुप्त को मार देते हैं। ही किल्ड देवगुप्त, देवगुप्त को मार देते हैं, लेकिन शशांक को नहीं मार पाते हैं, ठीक है। अभी ये बंगाल तक नहीं पहुंचे, मालवा तक ही पहुंचे, देवगुप्ता को मार दिया, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने देवगुप्त को मार दिया, अभी वापिस जा रहे थे। तो वापिस जाते जाते क्या होता है, इनको धोखे से शशांक मरवा देता है। शशांक किल्ड राज्यवर्धन ने धोखे से, ठीक है, ट्रिचरसली ये राज्यवर्धन को मरवा देता है। अब राज्यवर्धन की डेथ हो गई, ग्रहवर्मन की डेथ हो गई, राज्यश्री का क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि अब हर्षवर्धन बचे, अब जो मेल है वो रूलर बनेगा। तो अब हर्षवर्धन इस टाइम पे क्या होते हैं, शासक बन जाते हैं 606 AD में, ठीक है। राज्यश्री का क्या हुआ, मीनवाइल इसी टाइम में राज्यश्री ने क्या किया, शी एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। मध्य भारत के जो जंगल थे वहां पर जाकर वो भाग गई थी, ठीक है, बचने के लिए सबसे। तो ये कहानी थी कि हर्षवर्धन राजा कैसे बने, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, अब हमारा आज का टॉपिक इतना ही था, ठीक है। अब आप नोट्स बना सकते हैं आराम से, आज का टॉपिक इतना ही था। तो आई होप मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया है। अब हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो अगर मैं आज की वीडियो में पढ़ाऊंगी, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आगे चलने से पहले आपको एक चीज और इन्फॉर्म करना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप कॉलेज जा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, जॉब के साथ होता है ना कि टाइम नहीं होता नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। तो कोई भी आपको डाउट रहता है, कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा नोट्स में, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं एंड आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it and see you soon.